कोई तो ऐसी टिप्स दो जिससे मेरा प्रॉफिट फिक्स है। आखिर रिस्क है तो इश्क है। अर्ज किया है। वाह वाह। स्टॉक मार्केट्स का मैं हूँ किंग। स्टॉक मार्केट्स का मैं हूँ किंग। हाय विनीता सिंह। नमिता है फार्मा क्वीन। आ कर दूं तेरा पोर्टफोलियो ग्रीन। अरे क्यों लेता है तू ट्रबल? 25 दिन में पैसे डबल। पैसा ही पैसा होगा अब तो मेरे पास। ओफो, अब सबकी टिप से डेड, आज ही मेरे स्टॉक से रेड। नमस्कार शख्स, मेरा नाम है धर्मिल और ये है मेरे कोफाउंडर्स हर्ष और दिव्यांश। हम अहमदाबाद से आते हैं। यस सर। शार्क्स, जो हमने आपके सामने दृश्य दिखाया ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं बल्कि हर एक स्टॉक ट्रेडर की घर घर की कहानी है। शार्क्स, स्टॉक मार्केट से कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और अगर आपने बिना सीखे उनको मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो हमने सोचा क्या इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज बेटर देन अ फन गेम। पेश करते हैं हम आपके सामने बुल्सप्री। बुल्सप्री एक गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ आप खेलते खेलते सीखते हो स्टॉक मार्केट की दुनिया बेफिकर होकर। बुल्सप्री ऐप पर जैसे ही आप आएंगे आप ढेर सारे कॉन्टेस्ट देखते हैं जिसमें आप रोज भाग ले सकते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के गेम के जरिए आप सीख और समझ सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्टेस्ट में जाना है, अपनी स्टॉक्स की प्रोफाइल बनानी है और रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट से आप अपना पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देखेंगे, जो लाइव लीडर बोर्ड पे दूसरे प्लेयर्स की तुलना से आप अपना रैंक देख सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या शार्क? यहाँ स्टॉक्स की एक्चुअल बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह से आपका रिस्क कम है। पिछले 6 महीने में बुल्सप्री में हमने 2 लाख नए यूजर्स ऑनबोर्ड किए हैं। हमारा इतना सा सपना है कि झुमरी तलैया के छोटे से गांव से लेके भारत के बड़े शहरों तक स्टॉक मार्केट्स को सिंप्लीफाई करें। क्या ये सपना साकार करने के लिए आप हमें 75 लाख देना चाहेंगे एट अ 1.5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी? 50 करोड़ की वैल्यूएशन। आइए शार्क्स, मिलके हम भारत के अंदर स्टॉक मार्केट के फियर को फन में बदलते हैं। सो धर्मिन, हर्ष, दिव्यांश, बहुत दबंग प्रेजेंटेशन था। और आपने अपना मैस्कॉट अमन को क्यों बनाया? एक्चुअली वो मैस्कॉट कह रहा है हम भी कर लेंगे। आप तीनों की कहानी थोड़ी बताइए। 2016 के अंदर मैंने अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग खत्म की, उसके बाद मैं एक ई कॉमर्स कंपनी में ज्वाइन हुआ था। 1.5 साल के अंदर मैं सीईओ ऑफिस में प्रमोट हुआ था, मेरे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से कैलिब्रेट हुए थे। इनफैक्ट मुझे खुशी होती जब मैंने शुरू का राउंड किया था उसमें जो सीईओ हिमसेल्फ ही इन्वेस्टेड अ स्मॉल अमाउंट इन। 2016 में मैं और हर्ष एज अ फ्लैटमेट मिले थे पहली बार मुंबई के अंदर। और मेरी और दिव्यांश की कहानी बहुत ही अनोखी है। हम लोग एक ट्रेन जर्नी के अंदर मिले। हम लोग एक जागृति यात्रा नाम की एक हर साल ट्रेन जर्नी होती है जहाँ पे 500 एंटरप्रेनर्स एक ट्रेन के अंदर ऑनबोर्ड होते हैं और वहाँ पे नेटवर्किंग होती है। अरे वाह। और दिव्यांश बेसिकली झुमरी तलैया से है। अच्छा, तो सिर्फ वो मजाकिया तौर पे झुमरी तलैया नहीं बोला, सच में आप झुमरी? हाँ जी, झारखंड के अंदर ये एक छोटा सा टाउन है झुमरी तलैया। तो मैंने IIT दिल्ली से अपनी बीटेक करी है और उसके बाद मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया है, उनके ऊपर मैं 20 से 25 लोगों की टीम को लीड कर रहा था। एक्सेलेंट। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सारा डेवलपमेंट आप देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं देखता हूं। क्या टेक स्टैक है इसमें? फ्रंट एंड के ऊपर फ्लटर के ऊपर ऐप बना रखा है और बैक एंड में Node.js यूज कर रखा है। फ्लटर तो थोड़ा स्केल नहीं करेगा ना, एज द ऐप गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स। नए एप्लीकेशन में हमने ऐसा देखा कि लोग फ्लटर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा जी। तो हमने डिसीजन लिया। सो शार्क्स, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो 2015 से 2018 मैं प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स के ऑडिट किया करता था। उस टाइम पे मैं और धर्मिल काफी बात करते थे कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट और गेमिंग को मिला दें। तो यू आर ड्रीम 11 फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स, है ना? फैंटेसी ट्रेडिंग हो गया? नॉट रियली शार्क। सो बेसिकली शार्क, हम लोग एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप वेलवर्स होते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। अभी ये गेम इक्विटी उस पे है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी है? मैं आपको पूरा एक जर्नी बता सकता हूँ। हाँ प्लीज, आप प्रोडक्ट डेमो दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। शार्क्स, बुल्सप्री ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जैसे कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट की लिस्ट देख रहे हैं विद डिफरेंट एंट्री फीस। जितनी आपकी एंट्री फीस है मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम आपको उतने बुल्सप्री कॉइंस देते हैं। ये बुल्सप्री कॉइंस यूज करके आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाने हैं जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
रियल स्टॉक प्राइस के हिसाब से मेरा लाइव लीडर बोर्ड दिखेगा एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट जिसका पोर्टफोलियो वैल्यू हाईएस्ट होगा वो फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन होगा। कमीशन कितना चार्ज करते हो आप? कमीशन हम लोग हर कॉन्टेस्ट पे फ्लैट हम लोग 20% चार्ज करते हैं। सो बेसिकली सिंपल है शार्क्स के हम आपको वही स्टॉक मार्केट का एड्रेनलिन रश देना चाहते हैं। गुड आइडिया, ये तो ये कोई और भी कर रहा है अभी। हां टर्मिल एक काफी कंपनीज है, स्टॉक ग्रो है और ऐसी अनगिनत कंपनी है। बिल्कुल सर, बट एक छोटी सी चीज ये है कि स्टॉक ग्रो जो अपनी पोजीशनिंग सेट कर रहा है वो मोर ऑफ सोशल इन्वेस्टिंग साइड में आ रहा है जिसमें एक एड्रेनल रश मिस है बिकॉज़ वहां पे पूरा वर्चुअल मनी के अंदर इन्वॉल्व जो हम यहां पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि आप पैसे ले रहे हो फॉर द बिल्कुल जॉइनिंग फी जैसे आप कह रहे स्टॉक ग्रो वगैरह है दे आर ऑल फंडेड। यस, उन्होंने कितना पैसा रेज किया है? तो उन्होंने अराउंड $32 million अभी लास्ट। आप उनसे कंपीट कैसे करोगे? वी रेज सितंबर 21 में 2 CR एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12.5 CR एंड देन फेब 22 हमने 1 करोड़ और उठाया था एट अ वैल्यूएशन ऑफ 26.5 CR पोस्ट मनी। तो अभी 50 हो गया। भाई फेब के बाद तो मार्केट गिरी है। फेब 22 में हमारा मंथली रेवेन्यू वाज ओनली 1 lakh rupees लेकिन अगर मैं आपको लास्ट मंथ का ही रेवेन्यू बताऊं ना तो बता जल्दी बता। लास्ट मंथ का हमारा टोटल टर्नओवर था 90 lakh rupees एंड हमारा रेवेन्यू था 18.5 lakh rupees। So, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे ना तो हम लोग 100% हम लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या जादू किया? हमने काफी सारे कॉलेजेस के साथ में टाई अप्स किए थ्रू इवेंट्स, थ्रू यू नो कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, फाइनेंशियल मार्केट्स और गेमिंग के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में हमने कोलैबोरेशंस किए। अभी क्या है मार्केटिंग कॉस्ट? टोटल हमारा कैक पर यूजर जो है वो है 52 rupees। हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेड यूजर जो फेब में सिर्फ 21 rupees था एक्चुअली जुलाई में वो 322 rupees आ गया। आज की डेट में D60 पे 78% लोग हमारा ऐप अभी भी यूज करते हैं। रिटेंशन D60 का आपका 78 D60 मतलब आज जो आया तो 60 दिन बाद 60वें दिन पर 60वें दिन पर ये रोलिंग रिटेंशन नहीं है मतलब ऑन 60th डे। यस दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लोग और एप्स पे भी तो खेल सकते हैं। जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका मेजर फोकस गेम प्लेस के ऊपर है। हमारा लार्जर विजन है कि व्हेनेवर यू आर अ कस्टमर ऑफ बुल्सप्री, व्हेनेवर यू ग्रेजुएट आउट ऑफ हियर व्हिच विल बी अराउंड 2 इयर्स लेटर तब आपको सब कुछ सीखने में मिल जाए। हमने लेट्स बी क्लियर, आई डोंट थिंक यू आर बिल्डिंग बुल्सप्री यूनिवर्सिटी और स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी। बेसिकली गेमिंग लर्निंग इज अ दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग पीपल। पैसा लगाओ इमीडिएटली पैसा बनाओ। आज ड्रीम इलेवन अगर ये सोचने लगे मुझे सबको क्रिकेट सिखाना है तो दैट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन। आप है ना एक मिनट में मुझे बताइए स्टॉक ग्रो से आप कैसे अलग हो? देयर इज नो डिफरेंस। स्टॉक ग्रो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो चैट्स प्रोवाइड करता है, वो आपको वर्चुअल पोर्टफोलियोस खिलवाता है। ये सब कॉपी हो जाता है, आप उनको कॉपी करोगे वो आपका कॉपी करेंगे। मैम ये मार्केट साइज इतना बड़ा है ना कि कल को स्टॉक ग्रो और हम पैरेलली एग्जिस्ट कर सकते। स्टॉक ग्रो का रेवेन्यू कितना है पर मंथ? वी डोंट नो। अच्छा टीम बुल्सप्री तो मैं आउट हूं और मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूंगी। नोइंग योर कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर को तब कॉन्फिडेंस आता है जब फाउंडर्स ऐसे ऐसे नंबर्स जानते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको स्केल करना है तो कोई बहुत यूनिक डिफरेंशिएटर होना चाहिए, वो नहीं दिख के आ रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। फर्स्टली मुझे लगता है आपका डिफरेंशिएशन सबसे सॉलिड है आपकी टीम। आप तीनों बहुत हंग्री एंटरप्रेन्योर्स हो। मैं पर्सनली ये जो विनर टेक्स ऑल मार्केट्स होते हैं ना जैसे ये गेमिंग, इनमें मुझे पर्सनली इन्वेस्ट करने में थोड़ा डर लगता है बिकॉज जो फर्स्ट एक दो बड़ी फंडेड कंपनीज होती हैं वो कैक वॉर विच इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वॉर में छोटी छोटी कंपनीज को शार्क्स की तरह खा जाती है। सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस। मैं जनरली तीन चीजें देखता हूँ, टीम, टाइमिंग और टैम। टाइम आपका बहुत अच्छा, टीम भी ठीक लग रही है मुझे, लेकिन आपका टाइमिंग बिल्कुल गलत। यू आर लिटिल टू लेट। और एक मैं बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यू आर नॉट कंपीटिंग ओनली विद स्टॉक ग्रो। यस यू आर कंपीटिंग विद एवरी रियल मनी गेमिंग कंपनी।
और इनमें से काफी प्लेयर्स हैं, दे हैव रेज्ड $300 million. तो आपकी टाइमिंग गलत है, फॉर दैट रीजन आई एम कॉम्पिटिशन से डरता है तू? क्या बोलने डरता सर, आज भी हमारा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है. कॉम्पिटिशन अच्छी चीज है, और जो फंडेड प्लेयर होता है ना वो और अच्छा है कि वो मार्केट ग्रो करके देता है. बिल्कुल, तुम लोगों में दम है, मेरे को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है. मैं तुम्हारे पे इन्वेस्ट करता हूँ और सेम डील पे जो तुम्हें लास्ट मिली 26 lakhs 1% which is equal to your old valuation. Rest will be debt. The industry is big. Yes. One competition should not scare you. Let's go and kill them. No? And क्या पीयूष सर आप join हो सकते हो उनके? मेरे मेरे को कुछ सवाल है पर अभी. अभी आपके पास कितना पैसा बड़ा है? अभी हमारे पास 5 महीने का runway बड़ा है. What is your monthly burn? 18 lakhs. कितना बड़ा बिजनेस बनेगा ये? मैं नेक्स्ट 36 महीने में 2 करोड़ यूजर्स भी ले लेता हूँ ना, तो मुझे डेली का 1 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जो साल का 200 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है. तो यार देख, मेरे हिसाब से इसमें ना डेट वेट का कोई चक्कर ही नहीं है. तो हम लास्ट राउंड वैल्यूएशन पे आएंगे, तो दोनों आएंगे 50-50. कितना? 37.5. या तो अमन एंड पीयूष की फाइनल ऑफर है 75 लाख रुपीस फॉर 2.86% ऑफ योर बिजनेस. एक काउंटर ऑफर में कर सकता हूँ? कोई काउंटर का यार, हाई रिस्क बिजनेस है, दिस इज हीरो और जीरो. भाई रिस्क देख के यू शुड नॉट इवन थिंक यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 2% 2.5% आपका डाइल्यूट हो रहा है, इतना क्या सोच रहे हो? शार्क्स मिलके डिस्टर्ब करते हैं ये डील पक्की, और बनते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. आपका ये बेस्ट डील बनने वाला है. सुपर, कांग्रेचुलेशंस. <Congratulations. laughs>